हेलो एवरीवन, सो आज अपन मैच टू का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, लीनियर रिग्रेशन। अब उसके पहले आपने 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में मैच टू में एक तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड 5th चैप्टर पढ़ा था कोरिलेशन। अब ये दोनों चैप्टर का बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट है जो आप रिग्रेशन में पढ़ेंगे, तो वही आज अपन करने वाले। एक बार जो आपने 11th में कोरिलेशन के ये सब फॉर्मूलाज पढ़े थे, ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो उसको आप एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार अच्छे से फिट कर लेंगे, बिकॉज यही सेम अपन को वही लीनियर रिग्रेशन में यूज़ करना है। अब उसके पहले जो 4th चैप्टर पढ़ा था आपने लास्ट ईयर, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइवेरिएट मतलब क्या था भाई, बाय दो, वेरिएट मतलब वेरिएबल, सो बाइवेरिएट मतलब दो वेरिएबल वाले डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ेंगे, ये अपन ने किया था लास्ट ईयर। देन अपन गए कोरिलेशन के पास। अब कोरिलेशन ये वर्ड क्या बताता है, को मतलब क्या, जैसा को एजुकेशन मतलब साथ में, राइट, सो को मतलब साथ में और रिलेशन मतलब क्या कनेक्शन है भाई। सो कोरिलेशन मतलब क्या, दो वेरिएबल्स का साथ में क्या एसोसिएशन है, क्या डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप है, ये कोरिलेशन बताता है। जैसे आपने देखा था, याद है, दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एसोसिएशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन है, तो यही सब अपन ने में पढ़ा था। अपन ने यह भी पढ़ा था क्या डिग्री है, जैसे आपने याद है यह देखा था मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव हाई डिग्री या लोअर डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये सब अपन ने कोरिलेशन में पढ़ा था। आपने स्कैटर डायग्राम देखा था, फिर आपने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखा था जिसको अपन ने छोटे आर से डिनोट किया था। एक बार क्विकली सब फॉर्मुलाज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा भाई अपन ने, मीन। मीन मतलब क्या, x बार अगर x वाला वेरिएबल है, y वेरिएबल है तो y बार। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल x अपॉन n, अपन एवरेज वैसे ही निकालते हैं, जितने भी लोग हैं सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय n, तो ये समेशन x i अपॉन n हो गया। इसके बारे में ये जो नोटेशन है, इसके बारे में ये होने के बाद एंड में मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, बट एनीवेज एवरेज का फॉर्मूला क्या, x बार इज इक्वल टू समेशन x i अपॉन n, y बार का समेशन y i अपॉन n। नेक्स्ट टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था भाई, कोवेरियंस, साथ में कैसे वेरी होते हैं। एनीवेज लिखा कैसे, COV ब्रैकेट में कैपिटल x कॉमा कैपिटल y, सो कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू, इसके दो वर्जन से फॉर्मूला के, पहला वाला 1 अपॉन n वेयर n इज नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू समेशन ऑफ x i y i माइनस x बार इनटू y बार। x बार y बार किधर से आएगा भाई, ये वाले फॉर्मूला से, या तो एक और वर्जन क्या, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ ब्रैकेट में x i माइनस x बार इनटू ब्रैकेट में y i माइनस y बार। अब गाइस ये वाले फॉर्मूला में एक मुद्दे वाली बात क्या है, ये 1 अपॉन n इज ओनली मल्टीप्लाइड बाय दिस फर्स्ट टर्म। मैंने ऐसा बोला कि भाई तू सबका ऐसा ब्रैकेट नहीं डाला मैंने, क्लियर है, तो ये सिर्फ पहले वाले टर्म का है। मोस्टली अपन यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले, ये बहुत रेयरली यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर अपन ने नेक्स्ट टॉपिक देखा था स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को डिनोट कैसे किया भाई, ये वाले सिंबल से, क्लियर है। अब अगेन, अब जैसा वेरिएबल वैसा नोटेशन होगा, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन x के लिए लिया तो सिग्मा x, इसको सिग्मा बोलते हैं अपन, तो ये सिग्मा x हुआ, अगर y के लिए लिया तो सिग्मा y हुआ। वैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन के अब दो वर्जन से फॉर्मूला के, पहले x वेरिएबल का देखना, क्या बोला, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n समेशन ऑफ x i स्क्वायर माइनस x बार द होल स्क्वायर। ये 1 अपॉन n किसका है बाबा, सिर्फ पहले वाले टर्म का, या तो फिर सिग्मा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n समेशन ऑफ x i माइनस x बार द होल स्क्वायर। सेम एकदम डिट्टो किसके लिए, y के लिए, जिधर भी x है सब जगह y, समझे। तो ये थे स्टैंडर्ड डिविएशन के सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के वर्जन्स। अब ये तीनों आपको लगता रहेगा भाई बहुत डिफिकल्ट है, भाई है एकदम इजी, रट्टा कैसे मारा, देखो मैं कैसे रट्टा मारता हूँ समझना। अगर एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है तो ये दिख रहा है एक्स वाई, अब इतना याद रखना भाई स्टैंडर्ड डिविएशन में अंडर रूट आता है, वो याद रखना। अब सिग्मा एक्स चाहिए, सिर्फ कौन सा वेरिएबल है, एक्स, तो ये वाले फॉर्मूला में जिधर भी वाई है उधर सब जगह एक्स डाल दो, तो क्या किया, एक्स आई इंटू टू भी एक्स आई, एक्स आई एक्स आई एक्स आई स्क्वायर एक्स बार, और तू भी इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार स्क्वायर, समझे। वही अगर सिग्मा वाई चाहिए तो भाई अंडर रूट आएगा, एक्स आई के जगह डाल देंगे वाई आई, वाई आई वाई वाई आई स्क्वायर, वाई बार स्क्वायर, समझे कैसे रट्टा मारना है अपन को, क्लियर है। तो ये तरीका हो सकता है, तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है भाई, सिर्फ कोवेरियंस एकदम मक्खन रट्टा मार, वाई के जगह एक्स डालेंगे तो सिग्मा एक्स, एक्स के जगह वाई डालेंगे तो सिग्मा वाई, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली बात क्या, कोवेरियंस में अंडर रूट नहीं आता भाई, घाई घाई में करना मत वैसा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई में अंडर रूट आता है। ये था अपना स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर एक और नया पॉइंट सीखा भाई, कौन सा, वेरियंस। नाउ व्हाट इज वेरियंस, वेरियंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो रट्टा कैसे मारा, एस का एस मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इज व्हाट,
वेरियंस। स्टैंडर्ड डिविएशन आपने सिग्मा लिखा तो इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, सिग्मा स्क्वायर, वैसे ही सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। क्या करना है उसके लिए, अलग फॉर्मूला रट्टा मारने का क्या, नहीं ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका करेंगे स्क्वायर तो मिलेगा वेरियंस। फिर से स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इज वेरियंस, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इज वेरियंस, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इज वेरियंस, मतलब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट गायब होगा ना रे बाबा, तो ये दोनों आई दिखता है क्या, समझे, ये कौन था अपना वेरियंस। एक और मुद्दे वाली बात, स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती नहीं। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करेंगे वेरियंस आएगा, तो तू भी कौन रे पॉजिटिव, समझा भाई। आगे जाते अब लास्ट एक और नया फॉर्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, कौन सा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या तो उसको क्या बोला था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बहुत सारे नाम थे, लेकिन उनको लिखा कैसे, स्मॉल अल्फाबेट आर। फॉर्मूला क्या, R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, याद ही आपने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, फिर अपन ने कुछ वैल्यूज रट्टा मारी थी, R अगर 0 होगा, R अगर प्लस माइनस 1 होगा, R अगर 0.3 से लेके 0.8 के बीच में होगा, ऐसी सब चीज़ें थी, तो बोला भाई परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन, लो कोरिलेशन। तो मुद्दे की बात क्या है, अभी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कोरिलेशन में क्या बताया, दो वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ क्या एसोसिएशन है, मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा या कम होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, या तो फिर कितना डिग्री ऑफ एक्सटेंट है, जैसा अपन ने बोला ना हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये सब अपन को कोरिलेशन ने बताया, तो कोरिलेशन बहुत काम का है। लेकिन कोरिलेशन ने क्या नहीं बताया, समझो अपन है ना डिमांड और प्राइस की बात करते हैं, आपको उन दोनों के बीच का समझो पता है पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशन, बट कोरिलेशन ने ये नहीं बताया कि डिमांड अगर 10 है तो प्राइस क्या है, या प्राइस अगर 10 है तो डिमांड क्या है, ये अपन को कोरिलेशन नहीं बता पाया। व्हाट डज दिस मीन, कोरिलेशन आपको क्या नहीं बताता, अगर आपको कोई वेरिएबल, समझो दो वेरिएबल है ना अपने बाय रेट, तो समझो एक वेरिएबल अगर कुछ तो है तो दूसरा वो टाइम पे कितना रहेगा, ये कोरिलेशन नहीं बताता। इसके लिए अपन किसके पास जाएंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, जिसका नाम क्या है, लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर क्यों बोला, कोरिलेशन ने एक और काम किया है, कोरिलेशन क्या बोलता है, ये जो दो वेरिएबल्स है ना इनके बीच में ना लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप मतलब अपन क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके लिए नाम क्या आ गया भाई, लीनियर रिग्रेशन। जाते हैं आगे। सो गाइस अपन ने ये एवरेज का या मीन का ये फॉर्मूला देखा था, उधर मैंने बोला था ये नोटेशन के बारे में बताऊंगा, तो अब देखना क्या लिखा था इधर अपन ने, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई वेर आई इज इक्वल टू 1 to n, ये दिख रहा है मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ये समेशन का सिंबल है। अब समेशन करना मतलब एडिशन करना है, किसका एडिशन करना है, एक्स आई का। अब इधर आई क्या है, आई चालू हो रहा 1 से और जा किधर तक रहा, n तक, द होल अपॉन n। अब एक चीज आप देखेंगे, जब भी अपन फॉर्मूलाज यूज करेंगे ना तो अपन ऐसा लिखने वाले यार कि x बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन n, या बहुत बार तो शायद आई भी नहीं लिखा रहेगा। तो एनीवेज इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आई इज इक्वल टू 1 से n लिखेंगे नहीं, बट इसका मतलब क्या है वो एक बार समझ लो यार, आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है। सो दो वी राइट समेशन एक्स आई, बट इट्स अज्यूम्ड दैट यू आर डूइंग आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब इसका मतलब क्या, देख अपन को समझो x और y बाय वेरिएबल है तो, या बाय वेरिएट है तो दो वेरिएबल्स रहेगा, जैसा x सेम विल गो विद y। अब आपके कॉलम्स या टेबल्स ऐसे होंगे, n कितना है इधर, जोड़ी पकड़ते राइट अपन, पैर 1 2 3 4 5, तो इधर अपन को क्या पता है n इज हाउ मच 5। अगर मैंने बोला x का एवरेज या मीन निकल, तुम क्या करेंगे भाई, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन यू विल कितने वैल्यूज है 5, सो यू डिवाइड बाय 5, क्लियर है। ये 5 क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, n इज 5 राइट, सो वी डिवाइडेड बाय n। अब आपने क्या किया, 5 वैल्यूज ऐड की, क्लियर है, किसकी 5 वैल्यूज ऐड की, x की। अब ये i का मतलब क्या, ये पहली वैल्यू है तो ये पहला बंदा क्या हो जाएगा भाई, x1, ये क्या हो जाएगा x2, x3, x4, x5, ये समझ में आ रहा है आपको। सो इन शॉर्ट व्हाट डिड वी डू, वी डिड x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5। ये 5 क्यों डाला, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 5। ये x 5 पे क्यों खत्म हुआ, बिकॉज देयर वर 5 वैल्यूज ऑफ x, और यही तो ये फॉर्मूला है। इधर कर क्या रहे अपन, ये तो n है, इतना आपको क्लियर है। न्यूमरेटर में अपन क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज का एडिशन कर रहे हैं, तो वही लिखा अपन ने क्या, वी आर समिंग, वी आर एडिंग x की वैल्यूज
और x की वैल्यू कैसे उसने बताई भाई, नीचे जो भी नंबर है उसको बोल दिया i, i स्टार्ट हमेशा किधर से होगा, फर्स्ट वैल्यू से, और किधर तक जाएगा, ये जो है अपना ये हमेशा क्या है n, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है, क्या समेशन टोटल कर रहे हैं अपन किसका, x i का, वेर i स्टार्ट होता है 1 से और जाता किधर तक है n तक। कल उठ के अगर इधर 10 नंबर्स रहेंगे, समझो 7 नंबर्स रहेंगे, तो तुम क्या करेंगे, ये सब x6 x7, तो पहले 7 वैल्यूज का ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है, ये उसका इंटरप्रिटेशन है, ये उसका मतलब है, बट आपको ये सब करना नहीं है। आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू, या फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, समेशन एक्स आई अपॉन एन, बट बैक ऑफ द माइंड आपको पता है इधर क्या है, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। वैसे ही अगर y बार का फॉर्मूला यूज करना है तो y बार क्या लिखेंगे, समेशन y i अपॉन n, बट आपको क्या पता है इधर इन शॉर्ट कौन है, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, अगर सम में n 6 है तो 6 तक, 8 है तो 8 तक, बट आपको वो सब करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्लियर है। अब जाते हैं अपने मेन टॉपिक के पास, जिसका नाम क्या है, लीनियर रिग्रेशन। अब गाइस फिर से लीनियर रिग्रेशन क्यों यूज किया, अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता है उससे आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो अपन किसके पास गए, लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, एक इक्वेशन डेवलप करता है, लीनियर इक्वेशन, जिससे आपको ये दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप पता चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस वेरिएबल का वैल्यू आपको पता है उसको आप बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये वेरिएबल के रेफरेंस में जिस वेरिएबल का वैल्यू आप प्रेडिक्ट करेंगे वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से आपको समझ रहा है, ये वेरिएबल ऑलरेडी पता तो ये है इंडिपेंडेंट, ये वाला वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे ये यूज करके, तो तू क्या हुआ, इस पे डिपेंड किया, समझ रहे। अब दो इक्वेशंस आप बना सकते हैं, फटाक से जाते हैं, ये फॉर्मूलाज जैसे आपको बार बार ये पूरे एक्सरसाइज इक्वेशंस में, पूरे सम्स में यूज करना है। सबसे पहले वाला कौन सा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब ये वाला जब भी आपको लाइन दिखेगा y on x, इसका मतलब क्या, y is dependent upon x, तो ये वाले केस में x क्या हुआ अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझे कि नहीं, और y जो है ये x पे डिपेंड कर रहा है तो x हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है। एनीवेज फिर से, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x इज गिवन बाय y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इन टू एक्स माइनस एक्स बार। पहली बार देख रहे हैं, लोड मत लेना, इसमें y बार x बार आपको पता है, मीन अभी अभी आपने देखा, इधर नई चीज क्या आ गई, बी वाई एक्स, देखेंगे उसके बारे में। और ये एक्स वाई क्या है, ये वो जो दो वेरिएबल्स है, आपने याद है स्कूल में स्ट्रेट लाइन्स के बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऐसे कुछ लाइन्स आती थी यार, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इक्वेशन आप इसमें m डालते थे, c डालते थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, एनीवेज तो फाइनली आपका इक्वेशन ऐसा कुछ आ जाता था आंसर रैंडमली, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ऐसा कुछ, ये क्या बोलते थे आप, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्यों, जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा वो हमेशा किसके भाषा में आएगा, x और y, तो वो वेरिएबल रहेंगे, तो इधर भी वैसे ही होएगा, ये x और y फाइनल आंसर में रहेंगे। x बार y बार अपन मीन ढूंढ के निकालेंगे, बी वाई एक्स एक कोएफिशिएंट है जो अपन ढूंढ के निकालेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। जैसे इधर ये जो m अपना स्लोप था ये कोएफिशिएंट था वेरिएबल का, क्लियर है, वैसे ही बी वाई एक्स भी एक कोएफिशिएंट है। ये जो बी वाई एक्स दिख रहा है इसको अपन बोलेंगे भाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि ये कोएफिशिएंट यूज हुआ रिग्रेशन चैप्टर में, तो ये हो गया भाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब इधर जो आपको ये बी वाई एक्स दिख रहा है इसका फॉर्मूला भी है, क्या बी वाई एक्स इज इक्वल टू, ये सीओवी मतलब क्या, अभी अपन ने पढ़ा क्या, कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स छोड़ दिया तो सिग्मा स्क्वायर मतलब सही है वेरिएंस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोवेरियंस अपॉन वेरिएंस। अभी जब अपन कर रहे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हुआ, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है रट्टा मारने, देखो इजी तरीका कर लेना, क्योंकि आपको सेम अभी किसका रट्टा मारना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इधर बी वाई एक्स बी एक्स वाई नीचे कौन, तो एक इजी तरीका बताता हूं, इधर क्या है वाई ऑन एक्स, तो वाई लेफ्ट में आया x राइट में आया, इसके लिए क्या y लेफ्ट में x राइट में, समझे, इधर देखना आप x ऑन y है तो x लेफ्ट में y राइट में, तो x y,
एक्स लेफ्ट में वाई राइट में. अब नेक्स्ट नीचे क्या आएगा, एक्स आएगा कि वाई आएगा, वो कैसे, इधर क्या लिखा, बी वाई एक्स, एंड में कौन आ रहा है, एक्स, तो नीचे क्या आया, एक्स. बी एक्स वाई, एंड में कौन आ रहा है, वाई, इसके लिए नीचे कौन आया, वाई. ये रट्टा मारने का तरीका बहुत काम आएगा. अब एक बार नेक्स्ट वाला देख ही लेते हैं. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, मतलब एक्स डिपेंड करेगा वाई पे. तो दोनों केसेस हो सकते हैं यार, कभी वाई डिपेंड कर सकता है एक्स पे, कभी एक्स डिपेंड कर सकता है वाई पे. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वाई ऑन एक्स में वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट, वेयर एज एक्स ऑन वाई में एक्स इज डिपेंडेड अपॉन वाई, और वाई इधर क्या है, इंडिपेंडेंट. समझ में आ रहा है आपको, ये केस में फॉर्मूला क्या होगा, एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई. एक्स वाई क्यों आया, लेफ्ट में कौन एक्स, राइट में कौन वाई, तो एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. समझे, एक्स बार वाई बार मीन के फॉर्मूला से आ जाएगा. इधर बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या, बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन वेरियंस. बट कोवेरियंस तो हमेशा एक्स कॉमा वाई होता है, मतलब इधर ऐसा मत बोलना सर इधर एक्स वाई तो इधर वाई एक्स, ऐसा नहीं. कोवेरियंस दो वेरिएबल के बीच में मतलब एक्स वाई ही आएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में कौन आएगा, एंड में वाई है, तो इधर क्या आएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर. समझ में आ रहा है. अगेन ये बी एक्स वाई कौन है, फिर से इसका नाम क्या है बाबा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट. सो बी एक्स वाई बोलो या बी वाई एक्स बोलो, दोनों भी अपने कौन है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज गिवन बाय वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. क्लियर है, वेर बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर. वैसे ही रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, वेर बी एक्स वाई जो अपना रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसको क्या फॉर्मूला बोला, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर. अब कोवेरियंस का फॉर्मूला अब भी पढ़ा था, वो इधर यूज होगा. सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा वाई स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, इसलिए कोरिलेशन के सब फॉर्मूलाज अपन यूज करेंगे. इवन जो अपन ने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मतलब स्मॉल आर का फॉर्मूला पढ़ा है, वो भी आप देखेंगे यूज होगा ये एक्सरसाइज में. सो बहुत अच्छे से आपका सिलेबस एक्चुअली डिजाइन किया है बाल भारती ने. 11th स्टैंड में जो कोरिलेशन है उतना ही रखा उन लोग ने जितना 12th में काम आएगा. क्लियर है. सो ये सब बेसिक्स थे, ये सब फॉर्मूलास थे जो आपको पता होना बहुत जरूरी है. प्लीज इनको नोट करो, अच्छे से बायट करो. अपन ने ट्रिक्स देख लिए हैं, अब अपन अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे जा सकते हैं. क्लियर है. एक्सरसाइज 3.1 के पास जाते हैं. पहले थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर ग्रेजुअली थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पास जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले क्या बोला देखो उसने क्वेश्चन में, फॉर अ सर्टन बायवेरिएट डेटा ऑन फाइव पेयर्स. फाइव पेयर्स मतलब वो बोलना क्या चाहता है भाई, n की वैल्यू कितनी है, 5. n इज व्हाट, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. n इज इक्वल टू 5 बोला, बहुत काम का होता है ये बंदा. साथ ही साथ उसने बहुत सारा गिवन डेटा दिया है जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है. समेशन x दिया, समेशन y दिया, देन समेशन x स्क्वायर दिया, समेशन y स्क्वायर दिया, समेशन एक्स वाई भी दिया है उसने वैल्यू 76. देन क्या क्या फाइंड करने बोला, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, और ये छोटा आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ये सब चीजें आपको फाइंड करनी है, ये तीनों चारों चीजें, और गिवन में ये सब डेटा दिए. अब कैसे करने का, एक एक चीजों को टैकल करते हैं. सबसे पहले बात करना कोवेरियंस की. कोवेरियंस का फॉर्मूला याद है क्या था भाई, ए कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, अब इधर क्या दिया है, समेशन x इंटू वाई दिया है, तो मैं कोवेरियंस का फर्स्ट वर्जन यूज करूंगा. मतलब क्या, 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. अब याद है अपन एक्स आई वाई आई बोलते हैं, इधर उसने समेशन x समेशन y ऐसा दिया है, तो वो i लिखने की बहुत बार जरूरत नहीं है, तो वो लिखा या नहीं लिखा कोई फर्क गिरेगा नहीं. तो ये i नहीं भी लिखा तो दैट्स फाइन. तो आपको ये चीज पता है, दिख रहा है समेशन एक्स वाई दिया है, n दिया हुआ है पता है आपको, x बार y बार पता है क्या, ओ नहीं. तो आपके सोल्यूशन में सबसे पहले स्टार्ट क्या होगा, आप गिवन लिख देंगे और सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे भाई, x बार निकालेंगे और y बार निकालेंगे. x बार मतलब समेशन ऑफ x i अपॉन n बोलते हैं अपन, वो i मत लिखो, लिखो चलेगा डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा, दैट्स फाइन. सो समेशन x कितना, 20, n कितना, 5, तो x बार कितना आ गया, 4. x बार अपन को आ गया. अब चाहिए y बार. y बार का फॉर्मूला एकदम सेम, क्या बोला, समेशन y अपॉन n, समेशन y कितना, 20, 20 अपॉन 5, अगेन कितना, 4. तो x बार y बार आ गया.
क्लियर है। अब इधर सेम आया, हमेशा सेम नहीं आता। एक्स बार वाई बार आ गया, एन तुमको पता है, समेशन एक्स वाई पता है, क्या आ जाएगा? कोवेरियंस। तो सबसे पहले निकाल लिया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक बार बोल दो फॉर्मूला, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार। क्लियर है? मैं अगेन बोल रहा हूँ, आई नहीं लिखा, दैट्स फाइन। क्यों नहीं लिखा इधर? बिकॉज गिवन में नहीं था यार, मैं तो अपन लिखेंगे, डाल देते हैं वैल्यूज। एन कितना? 5। समेशन एक्स वाई गिवन कितना? 76 माइनस एक्स बार 4 वाई बार 4। इसको अब डिवाइड करो, 5 1 5 26 बचा, 5 5 20 5 10 बचा 2, 4 4 16 कितनी आ गई वैल्यू? -0.8। ये कौन आ गया? अपना कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। कोवेरियंस का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, हाँ उसका लोड मत लेना। सबसे पहले चाहिए था कोवेरियंस, मेरे को आ गया, ओ यस, क्लियर है। अब नेक्स्ट कौन चाहिए आपको? बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। अब ध्यान देना, इनके फॉर्मूलाज के पास जाते हैं। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है? बी वाई एक्स, न्यूमरेटर में तो सेम चाहिए, तो साथ में बी एक्स वाई का भी लिख देते हैं, दोनों का न्यूमरेटर तो सेम, ये आपको अच्छे से पता है, क्लियर है राइट? दोनों का न्यूमरेटर में कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब तुम्हारे डिनोमिनेटर में क्या, इधर एक्स है तो क्या आएगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर, वाई है तो सिग्मा वाई स्क्वायर। कोवेरियंस अपन ने निकाल लिया, दिखता है क्या? ये आ गया, ये आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए? सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब वेरियंस ऑफ एक्स, सिग्मा वाई स्क्वायर मतलब वेरियंस ऑफ वाई। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर, क्लियर है? कर देते हैं। तो अब जैसे ही कोवेरियंस आ गया, उसके नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे? सबसे पहले सही बोले, सिग्मा एक्स स्क्वायर। वेरियंस है तो अंडर रूट आएगा, नहीं यहाँ क्या है फॉर्मूला? 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, आई डालने की जरूरत नहीं, माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अगेन आई क्यों नहीं डाला? क्योंकि गिवन में इधर आई नहीं था, इसके लिए मेरे को 1 अपॉन n पता है, 5। समेशन एक्स स्क्वायर कितना? 90 माइनस एक्स बार अपन ने निकाला था 4, तो इधर क्या आया? 4 का स्क्वायर। अगेन मैंने फॉर्मूला सिखाने के टाइम बताया था, ये 1 अपॉन 5 सिर्फ किसका? 90 का। काटाकुटी करते हैं, 5 1 5 40 5 8 40 4 4 16 कितना आ गया आंसर? 2। सो इधर से क्या आ गया मेरे को? सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 2। क्लियर है? ये मेरे को फाइंड नहीं करना था कि करना था, ये क्वेश्चन में फाइंड नहीं करना था, बट ये कब यूज होगा भाई? जब अपन बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालेंगे। ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये भी आ गया अपने पास। अब कौन चाहिए? सिग्मा वाई स्क्वायर। क्विकली एकदम सेम वे में कर देते हैं, सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। एकदम सेम, 1 अपॉन 5 समेशन वाई स्क्वायर कितना? 90 माइनस इधर 4 का स्क्वायर, एकदम सेम है, दिख रहा है? फिर से ये कितना आएगा? 18 माइनस 16 कितना आया? सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब तू भी आ गया, अब कौन चाहिए? बी वाई एक्स बी एक्स वाई, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट। करते हैं फटाक से, अब निकालते हैं भाई बी वाई एक्स, निकाल लेते पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन, नहीं ये एक्स आ गया तो सिग्मा एक्स स्क्वायर। कोवेरियंस आया था याद है कितना? -0.8। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ गया था? 2। मैंने उधर रेफरेंस के लिए वैल्यूज लिखे, तो ये कितना आ गया? -0.4 आ गया ये वाला वैल्यू। देख लेते हैं भाई, ये वैल्यू आ गया। अब चाहिए, सो ये सेकंड क्वेश्चन बोल दो आप। अब चाहिए बी एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, इधर एंड में वाई तो सिग्मा वाई स्क्वायर, तो -0.8 सिग्मा वाई स्क्वायर आया था 2 -0.4। अरे ये भी आ गया, कितना इजी। अब नेक्स्ट के पास जाते हैं, अब मेरे को कौन चाहिए? आर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। मेरे पास कोवेरियंस है यस, बट सिग्मा एक्स नहीं है मेरे पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा वाई स्क्वायर है, इधर दोनों में स्क्वायर नहीं है, मतलब ये दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन है बेसिकली। तो अब मेरे को सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पहले निकालना है, तो क्या किया भाई? आई नो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 2, तो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 लिखना बस। वैसे ही सिग्मा वाई स्क्वायर कितना? 2, तो सिग्मा वाई कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2, टेकिंग स्क्वायर रूट। इतना क्लियर है? अब मैं क्या निकाल सकता हूँ अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कौन है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कैन वी फाइंड? यस,
कोवेरियंस कितना? -0.8 सिग्मा एक्स रूट टू सिग्मा वाई रूट टू कितना हुआ? लोड नहीं लेना, रूट टू इंटू रूट टू, टू डिवाइड हो गया -0.4। ये भी आ गया तो लास्ट आंसर भी आ गया, R इज इक्वल टू -0.4। समझे कैसे किया? क्लियर है? अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको फाइनल आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इधर मैं इधर शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे इसके होने के बाद? फर्स्ट अपना क्वेश्चन क्या था? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना? -0.8। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा भाई, जो आप पूरा क्वेश्चन होने के बाद लिखेंगे। फिर आपने सेकेंड बोल दिया क्या? बी वाई एक्स कितना? -0.4। फिर बी एक्स वाई कितना? -0.4। तीसरा आर कितना? -0.4। सब सेम ही आंसर आ रहे। समझा ये क्वेश्चन? ये बहुत ईजी था। ईजी क्यों था? बिकॉज ऑल द स्टफ्स विच वेर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मुला वेर गिवन। अब अपन जाएंगे थोड़े हरे भरे सम के पास, उसके बाद में एकदम हरे भरे सम के पास जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? द एचआरडी मैनेजर ऑफ अ कंपनी वांट्स टू फाइंड अ मेजर विच ही कैन यूज टू फिक्स द मंथली इनकम ऑफ पर्संस। बहुत सारा थियरी ऐसा दिया हुआ है पहले एक पैराग्राफ में, उसमें सिर्फ कुछ डेटा दिया है। मेन मुद्दा इधर क्या है? ही कलेक्टेड डेटा ऑफ 7 persons। सो बेसिकली इधर दिख रहा है आपको 7 pair से, तो उधर से मेरे को एक चीज़ क्या मिल जाती है भाई? एन कितना है? 7 ना, तो वो एक चीज़ वो पहले क्या पैराग्राफ से मिला। फिर एक ना एक टेबल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, बट आप उसको आपके बुक में ना ऐसा वर्टिकल बनाएंगे। क्वेश्चन में पहली चीज़ क्या फाइंड करने बोली, ध्यान देना क्या इसमें उसने बोला टेबल में, एक्स वाला वेरिएबल कौन है? ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब कितने टाइम काम कर रहे हैं, और वाई क्या बोला? मंथली इनकम, और ये टेबल में जो भी वैल्यूज है वो क्या है? थाउजेंड्स में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है? फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, किसका वैल्यू निकाल या कौन सा इक्वेशन निकाल? इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, अब इनकम अपना कौन सा वेरिएबल है? कौन सा वेरिएबल है भाई? इनकम वाई, और ईयर्स ऑफ सर्विस अपना कौन सा वेरिएबल है? एक्स, मतलब वो कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन मांग रहा है? वाई ऑन एक्स। फॉर्मूला क्या हुआ? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, समेशन एक्स दिया, समेशन वाई दिया, समेशन एक्स वाई दिया, सब सब दे दिया था, सिर्फ फॉर्मूला में डालना था। अब इधर क्या करना पड़ेगा आपको? वो सब समेशन फाइंड करने हैं। क्लियर है? तो अब आपको इधर ये अगर निकालना है तो क्या क्या चीजें चाहिए? एक्स बार चाहिए। एक्स बार किधर से आएगा? समेशन एक्स आई अपॉन एन, मतलब एक्स के कॉलम का टोटल, ये एक्स वाला कॉलम है इसका टोटल करना पड़ेगा। वैसे ही वाई बार कैसे आएगा? समेशन वाई आई अपॉन एन, वो कैसे आएगा? वाई के कॉलम का टोटल। ये सब आपने 11th में किया है, सेम। एनीवेज आगे, अब मेरे को चाहिए बी वाई एक्स। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एंड में एक्स है सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब एक एक और टुकड़े के पास जाते हैं। अब देखना कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला क्या? 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। एक्स बार वाई बार है क्या अपने पास? हाँ भाई, इधर ऊपर निकाल लिया अपन ने। n है क्या मेरे पास? हाँ। अब क्या चाहिए? समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई, तो एक नया कॉलम किसका बनेगा? एक्स आई इंटू वाई आई। क्लियर है? वैसे ही अब ये वाले बंदे की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या? 1 अपॉन n स्क्वायर है क्या, तो अंडर रूट नहीं आएगा। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। एक्स बार पता है क्या? यस। समेशन एक्स आई स्क्वायर किधर से लाएंगे? टेबल में से। तो अब टेबल में क्या क्या वैल्यूज हो गई? ये हो गया एक्स आई, ठीक है, ये हो गया वाई आई। मेरे को और कौन से टोटल्स चाहिए टेबल में से? एक्स आई स्क्वायर वाला नया कॉलम और एक्स आई वाई आई वाला कॉलम टेबल में से। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये अपना पूरा स्केलेटन बोलता हूं मैं इसको, ये ढांचा है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है एक बार लिख दिया, और फिर उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो फाइंड कर ली, तो उससे अपन को समझ में आ जाता है कि क्या क्या करना है। क्लियर है? सो जब भी आप एक चीज रट्टा मार लो चाहिए, तो जब भी वाई ऑन एक्स चाहिए तो दो कॉलम नए कौन से बनेंगे? एक्स आई स्क्वायर और एक्स आई वाई आई। क्लियर है? फटाफट बना सकते हैं। एक्स आई स्क्वायर कैसे आएगा? ये जो एक्स की वैल्यूज है इन सबका स्क्वायर 11 का। हाँ, अभी उसके पहले एक प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इफ पॉसिबल प्लीज बाय हार्ट स्क्वायर्स अप टू 30।
बहुत इजी गिरेगा यार ये, नहीं तो फिर आप पीछे जाके कर रहे हैं 24x24, क्यों टाइम वेस्ट करना है, 30 तक भाई ऐड कर लेते हैं, 20 तक तो एनीवेज अपन को रट्टा है, 30 तक तो करना है, मजा आएगा फिर। एनीवेज 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप ऐसा कॉलम में वैल्यूज लिख रहे हो ना, क्या करना मालूम है, सब यूनिट्स की वैल्यू एक लाइन में लिखना, सब टेंस की वैल्यू एक लाइन में लिखना और सब हंड्रेड्स की वैल्यू एक लाइन में लिखना। इससे होगा क्या, एडिशन करने बहुत इजी गिरेगा, बिकॉज ये कॉलम बनाई क्यों रहे यार अपन, समेशंस चाहिए ना रे बाबा, समझे क्या भाई। चलो भाई आगे, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। ये दिख रहा है कि मैंने कैसे सब लाइन में लिखा, अब आपको एडिशन करने इजी गिरेगा, समझ रहे। अब नेक्स्ट कॉलम कौन सा, एक्सा इंटू वाई है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, 11 टेन जा 110, फिर वो यूनिट टेन सब ध्यान देना, 7 8 जा 56, 9 6 जा 54, ध्यान देना मैं सब लाइन में लिख रहा हूँ भाई, 5 5 जा 25 फटाफट, 8 9 जा 72, 6 7 जा 42, 10 11 जा 110। क्लियर है, इतना समझा। आप टोटल किसका किसका चाहिए भाई, ध्यान देना, समेशन x चाहिए तो x के कॉलम का टोटल करेंगे, समेशन y चाहिए y के कॉलम का टोटल, समेशन xi y है, समेशन xi स्क्वायर, ये सब टोटल फटाक से आप निकाल लेना। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट वैल्यूज, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो टोटल ऐसा 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 करने में टाइम वेस्ट करूँ, बट प्लीज डू नॉट यूज कैलसी, बोर्ड एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है भाई, मत कैलसी यूज करो। देखो मैच टू जो है ना, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, फॉर्मूला सब एकदम चिंदी, सम्स एकदम चिरकुट, टाइम किधर लगने वाला है भाई, हालत किधर होगी भाई कैलकुलेशन में, प्लीज खुद से करना कैलकुलेशन, समझेगा, कैलसी मत यूज करना, जल्दी से करो तो टोटल में भी कर देता फटाक से। सो गाइज अभी है ना मैंने सबका टोटल कर दिया है, xi के कॉलम का टोटल किया, नीचे क्या लिखा, समेशन ऑफ xi, yi का टोटल किया, समेशन ऑफ yi, समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi yi इज इक्वल टू, आई होप आपने पॉज करके टोटल खुद से किया है। सो अपने पास अब सब टोटल्स आ गए, टेबल के नीचे सबसे पहले क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 7 जो क्वेश्चन में गिवन है। अब किधर जाएंगे भाई, अपने सॉल्यूशन के पास। सो क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, मतलब ये इक्वेशन चाहिए, उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, x बार y बार निकालेंगे। तो टेबल जैसे ही बना उसके नीचे सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ प्रोसीजर, फिर फटाफट कर लेंगे, x बार y बार निकालेंगे, x बार y बार आ गया, फिर आई वॉन्ट बी वाई एक्स, फॉर दैट वॉट वी विल बी नीडिंग फर्स्ट कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई, सो वील फर्स्ट फाइंड कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई, देन ग्रेजुअली वी विल फाइंड सिग्मा x स्क्वायर, एंड वंस एवरीथिंग इज देयर वी विल गो विद बी वाई एक्स, और वो भी जब आ जाता है तो भाई इक्वेशन निकाल लेंगे। क्लियर है, तो मैं ये टेबल रब करके अब अपने सॉल्यूशन के पास फटाफट जाते हैं। अब अपन टेबल के नीचे वाला सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहले लिख दिया भाई n कितना है इक्वेशन में 7। अब सबसे पहले क्या फाइंड करने बोला था, x बार, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x बार, समेशन ऑफ xi अपॉन n, समेशन xi पता है क्या तुमको, यस 56, n कितना 7, तो कितना आ गया 8। वैसे ही बाजू में लिख देना y बार, समेशन yi अपॉन n, समेशन yi कितना 56, n कितना 7, कितना आ गया 8। x बार y बार आ गया, कोवेरियंस निकाल लेंगे, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y, फॉर्मूला फटाफट 1 अपॉन n समेशन ऑफ xi yi माइनस x बार इंटू y बार, 1 अपॉन n कितना 7, समेशन xi yi कितना 469 माइनस x बार कितना 8, y बार कितना 8। क्लियर है, अब ये सॉल्व कर दो, 7 कितना जा 6 जा 42, 49 बचा 7 जा, और ये कितना 64, तो कितना आ गया कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई अपना 67 माइनस 4 3। अब नेक्स्ट तो x बार आ गया, y बार आ गया, कोवेरियंस आ गया, अब मेरे को एक और बंदा कौन चाहिए था, वेरियंस ऑफ x, सिग्मा x स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 अपॉन n समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस x बार द होल स्क्वायर, 1 अपॉन n मतलब 1 अपॉन 7, समेशन ऑफ xi स्क्वायर 476 माइनस x बार 8 का स्क्वायर। क्लियर है, सब ऊपर से ही ले रहा हूँ मैं, काटाकुटी करो, 7 6 जा 42 और फिर 56, 7 8 जा 56 और ये 8 8 जा 64, तो कितना आ गया 4, ये हो गया मेरा सिग्मा x स्क्वायर। अब सब माल मसाला है मेरे पास भाई, x बार y बार चाहिए था आ गया, कोवेरियंस चाहिए था वो आ गया, सिग्मा x स्क्वायर आ गया। अब रिग्रेशन इक्वेशन के लिए एक और अपना लास्ट चीज़ क्या बची है अपने पास निकालने के लिए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट BYX, BYX क्यों,
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x चाहिए। फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y अपॉन नीचे x है तो सिग्मा x स्क्वायर। कोवेरियंस कितना आया था? 3 और सिग्मा एक्स स्क्वायर 4, तो 3/4। ये फ्रैक्शन में भी आपको आगे थोड़ा हेल्प करेगा, बट यूजुअली वी विल फाइंड द आंसर्स इन डेसिमल। डिवाइड करना, दो डिजिट तक चाहिए अपन को, तो बी वाई एक्स आ गया अपना 0.75। क्लियर है? अब अपन फाइनली अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे, जो क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, वो लिखना पड़ेगा अपन को, फटाफट लिख देंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, क्या बोला था भाई उसने? इनकम, इनकम मतलब अपना कौन? y ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस, वो कौन? x। क्लियर है? तो अपन ने क्या बोल दिया इन शॉर्ट? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, व्हाट इज द फॉर्मूला क्विकली? y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। y तो हमेशा y ही रहेगा, मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया कि फाइनली आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ x x y। क्लियर है? y बार कितना था अपना? 8। बी वाई एक्स याद है अपना 0.75। x माइनस एक्स बार इज हाउ मच? 8। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, y माइनस 8, 0.75 इंटू एक्स, 0.75x। नाउ 0.75 इंटू 8 यू कैन मल्टीप्लाई, और याद है 0.75 अपने पास पीछे फ्रैक्शन में था 3/4, उसको ही डिवाइड करके अपन ने ये लाया था 3/4 इंटू 8, तो 4 1 4 2 तो क्या आया? 6। मतलब 0.75 इंटू 8 किया तो कितना आएगा? 6। अब फाइनली क्या करना मालूम है? आंसर कैसे लिखना बता रहा हूँ मैं, ये जो भी इधर नंबर है उसको उधर लेके जाओ और इधर y को छोड़ दो। इधर 0.75x है, इधर क्या हुआ? -6 + 8, तो -6 + 8 कितना आएगा? +2। ये जो आंसर आया अपना, ये फर्स्ट आंसर आया, दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्लियर है? कैसे किया फाइनली आंसर कैसे लिखा? जो समझो y ऑन x है तो y इधर, बाकी सब कुछ इधर। अगर x ऑन y का आंसर चाहिए तो कैसे लिखेंगे? x इधर, बाकी सब कुछ इधर। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन ने क्या बोला, जरा ध्यान से समझना यार, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला उसने? व्हाट इनिशियल स्टार्ट वुड यू रेकमेंड फॉर अ पर्सन, व्हाट इनिशियल स्टार्ट मतलब वो क्या बोल रहा है? इनकम वुड यू एक्सपेक्ट फॉर अ पर्सन अप्लाइंग फॉर द जॉब आफ्टर हैविंग सर्वड इन सिमिलर कैपेसिटी इन अनदर कंपनी फॉर 13 ईयर्स। इसका मतलब वो बोल रहा है कि कोई बंदे ने अगर 13 साल काम किया है कोई कंपनी में, तो आपकी कंपनी में जब जॉब देंगे तो उसको कितना पगार मिलेगा। मतलब आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में? इयर्स ऑफ सर्विस दिया 13, मतलब किसकी वैल्यू थी? एक्स की वैल्यू थी 13 इयर्स। और क्या मांगा उसने? व्हाट इनिशियल स्टार्ट मतलब व्हाट विल बी द इनकम। समझे इधर हो क्या रहा है? एक्स की वैल्यू दी है और मांगा क्या? वाई। मतलब क्या हो रहा है? जैसा आज मैंने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया, यू नो द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विच इज एक्स, एंड यू वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू और यू वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल दैट इज वाई। तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी एक्स दिया हुआ होगा एंड वाई मांगा, मतलब वाई इज डिपेंडेड अपॉन एक्स, तो कौन सा इक्वेशन चाहिए? वाई ऑन एक्स। क्या है मेरे पास? ओ यस, तो ये इक्वेशन में मैं एक्स के जगह पर 13 डालूंगा। करते हैं भाई, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, बोला पुट एक्स इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1, डाल दो ऊपर ये वाई इज इक्वल टू 0.75 इंटू 13 प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 0.75 इंटू 13 आप मल्टीप्लाई करना, 3/4 करके भी कर सकते हो, तो ये आंसर आ गया अपना 9.75 प्लस 2। ये प्लीज मल्टीप्लाई करके करो, आ गया भाई, मैंने किया हुआ है, मैं वैल्यू लिखा डायरेक्ट, तो ये 9.75 इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया प्लस 2, मतलब 11.75। अब ये आ गई वाई की वैल्यू, ये क्या है अपना? इनकम। कुछ यूनिट्स दिया दिखता है क्या उसका? वेरी इंपॉर्टेंट ना भाई, क्या है उसका यूनिट्स? देखो टेबल के कॉलम में दिया है क्या? रुपीज थाउजेंड्स। मतलब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा ना, जो बंदे ने 13 साल काम किया उसको तुम 11 रुपये देंगे क्या इनकम? ऑब्वियसली नहीं। सो 11.75, बट दिस इज व्हाट? रुपीज इन थाउजेंड्स। द बेस्ट आंसर वुड बी रुपीज 11.75 इन थाउजेंड्स ना, तो ये क्या कर रहे हैं? 11.75 को थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 10 20 30, तो 11.750, ये अपना आ गया फाइनल आंसर। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? अगेन वर्ड प्रॉब्लम जैसे आएंगे तो आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। आप क्या बोलेंगे फाइनल आंसर में? बहुत डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ मैं, ओरली बता रहा हूँ आपको। क्या बोल देंगे? फर्स्ट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, तो पहला वो जो आंसर है वो लिख दिया। फिर आपने क्या बोला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन? व्हेन x इज इक्वल टू 13,
द वाई वुड बी रुपीज 11750। ये अमाउंट कैसे समझा गया, 11.75 थाउजेंड्स में, क्लियर है, मतलब 11.75 थाउजेंड, तो थाउजेंड से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11.75 को जब थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन जीरो शिफ्ट होगा, एक दो तीन, क्लियर है, तो क्या आ गया 11,750 रुपये। तो अगर कोई बंदे ने 13 साल वो सेम जॉब किया है और उसको आपके ये वाले कंपनी में जॉब देना है, तो उसको इनिशियल पगार आप कितना देंगे, इनकम कितना देंगे, 11,750, क्लियर है। ऐसा था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, अब जाते हैं नेक्स्ट के पास, सेकंड क्वेश्चन के पास जाते हैं। मैंने ऑर्डर है ना थोड़ा शफल करके रखा है, मैं वो ऑर्डर में जा रहा हूँ जिससे आपको थोड़े सम्स इजी इजी इजी, फिर हरे भरे ऐसे जाएंगे अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, तो दोनों इक्वेशन निकालना है, एक्स ऑन वाई भी निकालना है और वाई ऑन एक्स जैसा अपने पिछली बार निकाला वो भी निकालना है, और आपको टेबल दे दिया, टेबल में क्या क्या वैल्यूज दे दी, मतलब क्या क्या कॉलम दे दिया, एक्स का और वाई का। अब जब भी एक चीज आप करना है या सब फॉर्मुला से, जैसे याद है अपने इधर स्केलेटन बनाया था वाई ऑन एक्स, तो क्या क्या नए कॉलम लगे थे, एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई वाई आई, वैसे ही अगर आपको उधर वाई ऑन एक्स किया था राइट, अब अपन को एक्स ऑन वाई भी करना है, अगर आप फिर वो स्केलेटन बनाएंगे आपको समझेगा अभी और कॉलम कौन से लगेंगे, आपको वाई आई स्क्वायर का भी लगेगा, एक्स आई वाई तो एनीवेज अपन करने वाले। तो एक चीज आप ऐड कर लेना, जब भी अपन दोनों इक्वेशन निकालने वाले ना, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, तब आप डायरेक्टली क्या क्या कॉलम बनाएंगे, एक्स आई स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर और एक्स आई वाई आई, और टोटल ये सब लोगों का लगेगा, क्लियर है, फटाफट कर लेते हैं। अब टेबल बनाना इजी है, हो सके तो जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं साइड बाय साइड आप खुद भी बना लो तो आपको भी इजी गिरेगा। एनीवेज, एक्स आई स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, वो लाइन में लिखना भाई सब यूनिट्स टेंस प्लेस को, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, सब लाइन में लिखो, एडिशन करने इजी गिरेगा। ये हुआ एक्स आई का स्क्वायर जो एक्स का स्क्वायर किया। अब आप बोलेंगे सर इधर कैपिटल एक्स इधर स्मॉल एक्स, इधर एक्चुअली ना ब्रैकेट में आप एक्स आई लिखेंगे वो अच्छा रहता है। अब देखो उसने क्या बोला, ये कॉलम में जो वैल्यूज है दैट आर कैपिटल एक्स, दैट्स अ वेरिएबल कैपिटल एक्स, बट दिस इंडिविजुअल वैल्यूज, तो मैंने क्या बोला एक्स आई मतलब क्या, आई के जगह पर वैल्यूज डालने का, तो ये फर्स्ट वैल्यू को क्या बोलेंगे, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, इसके लिए वी यूज एक्स आई, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। एक्स आई स्क्वायर आ गया, वाई आई स्क्वायर मतलब ये सबका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 13 का स्क्वायर 169, क्लियर है। अगेन लाइन में लिख के टोटल कर देना, एक्स आई वाई आई ये दोनों को मल्टीप्लाई, 10 5 जा 50, 12 6 जा 72, 13 7 जा 91, 17 9 जा 17, 10 जा 170, उसमें से 17 माइनस करो 153, सही है, 18 13 जा करना आप पीछे कर लेना यार फटाफट 234, क्लियर है, ये मैंने करके रखा, मैं वैल्यू लिख दिया सिर्फ। एनीवेज, तो ये हो गया, ये कैलकुलेशन करना भाई, 18 इंटू 13 पीछे जाके ऐसा 18 इंटू 13 ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, फिर ये आ गया 234, क्लियर है। अब क्या करना है भाई, ये सबका टोटल निकालना है, वीडियो पॉज करो फटाफट इसका टोटल करो फिर टैली कर लेना, ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ डायरेक्ट वैल्यूज, क्लियर है। तो मैंने अब ये ना दिख रहा है ये सब टोटल कर दिया है, देखा ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समेशन एक्स आई समेशन वाई आई, ये वैल्यूज ऐसा लिखना बहुत जरूरी है भाई, नोटेशन अगर आपके पास, मैंने जानबूझ के तो दो लाइन में लिखा, होता है ऐसा अपन कॉलम्स चिपका के बनाते हैं तो समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 70 एक लाइन में नहीं आता, तो भाई ऐसा लिखना, बट ये प्लीज लिखना, क्लियर है। टेबल के नीचे सबसे पहले क्या आएगा, एन कितना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच जोड़िए तो एन आ गया 5, इतना क्लियर है। क्या क्या निकालेंगे अब इसके बाद, आपको प्रोसीजर क्लियर है, सबसे पहले निकालेंगे एक्स बार, एक्स बार कैसे आएगा, समेशन एक्स आई अपॉन एन, क्लियर है, समेशन एक्स आई कितना है अपना 70, 70 अपॉन 5, क्लियर है, 5 वन जा और 25 फोर जा, एक्स बार आ गया, फिर निकालेंगे वाई बार, वाई बार कैसे आएगा, समेशन वाई आई अपॉन एन, समेशन वाई आई कितना है अपना 40, 40 अपॉन 5, क्लियर है, तो कितना आ गया 8, एक्स बार वाई बार आ गया। नेक्स्ट आगे जाते, अब जैसे ही एक्स बार वाई बार आ जाता है क्या निकालेंगे आप, बोलो बोलो, कोवेरियंस, तो निकाल आप क्या, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर्मूला, 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, क्लियर है, एन कितना अपना 5, समेशन एक्स आई वाई कितना है 600, क्लियर है, माइनस एक्स बार अपना 14 इंटू वाई बार अपना 8, क्लियर है, कैलकुलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इधर करो 5 वन जा 5 10, 5 टू जा और ये 14 8 जा 112, तो ये कितना आ गया अपना 8, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया अपन को, क्लियर है, कोवेरियंस क्यों लगेगा भाई,
रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के फॉर्मुला में आ, फिर अब तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों निकालना पड़ेगा, तो अपन को क्या क्या लगेगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लो सबसे पहले, वन अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, क्लियर है, वन अपॉन एन फाइ समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना 1026, एक्स बार कितना 14 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर्स बहुत काम आएंगे अब भाई, तो इसको काटो कितना 5 2 10 फिर 0 5 5 25 10 बचा तो 2, 14 का स्क्वायर रट्टा रहेगा मजा आएगा 196, सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा ये 196 10 नहीं तो ये आया 9.2, तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब क्या निकालेंगे, सिग्मा वाई स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, वन अपॉन एन समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, वन अपॉन एन कितना 5 समेशन वाई आई स्क्वायर कितना 360 माइनस वाई बार अपना कितना है 8 का स्क्वायर मतलब 64, इतना क्लियर है। अब काटाकुटी करो, 5 कितना जा 5 5 5 7 35 10 मतलब 2 माइनस 64 ये कितना हो गया 8, तो सिग्मा वाई स्क्वायर भी आ गया, क्लियर है। नाउ वी हैव कोवेरियंस, वी हैव सिग्मा एक्स स्क्वायर, वी हैव सिग्मा वाई स्क्वायर, वी विल फाइंड बी वाई एक्स बी एक्स वाई, देन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। सो बेसिकली जो भी वैल्यूज है मैंने लिख दिया, अब जाते हैं आगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के पास। सबसे पहले निकालते हैं बी वाई एक्स, व्हाट्स द फॉर्मूला, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये एक्स है इसके लिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना आया था 8 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर आया था 9.2, प्लीज़ इसको जाके डिवाइड करना यार पीछे, मतलब आप कैसा करेंगे ऐसा, बेसिकली 9.2 और इधर 8, या तो सबसे बेस्ट डेसिमल नहीं पसंद ना तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो पीछे जाके आप क्या डिवाइड कर लेना, ये 10 किया तो 80 और डिवाइड किससे करना है 92, 10 से मल्टीप्लाई करके ये प्लीज़ करना डिवाइड, एग्जाम में यही आपकी हालत ख़राब करेगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है डिवीज़न, तो मैं वैल्यू लिख दूंगा डायरेक्ट 0.869। अब ये आ गया अपना बी वाई एक्स, अब चाहिए बी एक्स वाई, व्हाट्स द फॉर्मूला, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, कोवेरियंस कितना है 8 सिग्मा वाई स्क्वायर 8, तो ये तो बहुत ईजी कैलकुलेशन, 8/8 आ गया 1। अब दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आ गए, नाउ वी कैन गो अहेड एंड फाइंड बोथ द रिग्रेशन इक्वेशंस। सबसे पहले उसने एक्स ऑन वाई मांगा तो वो लिख देते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, क्या आएगा भाई, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। अब एक्स माइनस एक्स बार कितना है, मैंने वो भी वैल्यू लिख दिया 14 इज इक्वल टू बी एक्स वाई आया अपन को 1, वाई माइनस वाई बार कितना है अपना 8। अब याद है मैंने कैसे लिखने बोला आंसर, x ऑन y है तो x इधर बाकी सब उधर करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो इधर, x माइनस 14 इज इक्वल टू 1 से ब्रैकेट ओपन करना कुछ लोड ही नहीं है, अब 14 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू y तो ऑलरेडी इधर है माइनस 8 प्लस 14, तो माइनस 8 प्लस 14 इज हाउ मच प्लस 6, ये अपना कौन है, दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, लिख देना ऐसा, इज द आगे लिख देना आप, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, इतना क्लियर है, ये अपना रिग्रेशन इक्वेशन आ गया x ऑन y का। अब कौन सा निकालेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, लिख देंगे फटाफट अभी इसके नीचे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, फॉर्मूला क्या, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, x माइनस x बार, इतना क्लियर है, y माइनस y बार कितना 8, बी वाई एक्स अपना कितना आया था 0.869, आई होप आपने कैलसी नहीं यूज़ किया वैल्यू निकालने इसका, एक्स बार कितना 14, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, वाई माइनस 8 0.869 इंटू एक्स 0.869x, अगेन आप क्या करेंगे पीछे के कैलकुलेशन करेंगे 0.869 इंटू 14 मैंने किया हुआ है 12.166, अब क्या करना, माइनस 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, क्या हुआ, y इज इक्वल टू 0.869x, अब माइनस 12.166 प्लस 8 मतलब कितना माइनस 4.166, ये अपना क्या है, इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ
y on x, समझा आपको कैसे किया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। तो ये अपना एक हरा भरा सम था, बहुत इजी है ये, बट इसमें अपन ने दोनों इक्वेशंस निकाले। ऐसे ही आपको आगे आगे करना है। तो गाइस जैसा अपन ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया ना, वैसे ही सेम टाइप की एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है। एक बार मैं रफली लिख देता हूँ, 6th वाला क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है। ये जो पांचों क्वेश्चन है ना एग्जैक्टली सेम एज फर्स्ट और सेकंड होंगे। मैं एक और कर देता हूँ, फिर कुछ आप होमवर्क कर देना। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूट द एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब उसने बोला नहीं एक्स ऑन वाई निकालो या वाई ऑन एक्स, उसने क्या बोला कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन। तो अपन को डिसाइड करना है भाई कौन सा निकालना है। अब इधर एक हिंट क्या दिया उसने, उसने लिख के दिया कि एक्स कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा दिया हुआ है उसने क्लियरली, और बोल दिया भाई वाई कौन है, डिपेंडेंट। अब उसने अगर ऐसा बोला है कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या, y इज डिपेंडेड अपॉन x, मतलब कौन सा इक्वेशन निकालेंगे, y on x। अब आपको तो मुझे लगता है प्रोसीजर बायट हो गया रहेगा, जब भी y on x निकालना है कौन सा कॉलम्स, ये अपना कौन है x i, ये अपना कौन है y i, फिर क्या आएगा x i स्क्वायर एंड x i y i। निकाल लेते हैं क्विकली फटाफट कैलकुलेशंस। x i स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121। अगेन ऑल द यूनिट स्टैंड्स एंड 100 प्लेस इन सेम लाइन। एक और चीज प्लीज यार, बॉक्स बनाना भाई। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं बनाया, सेकंड में बनाया था। आपको हर क्वेश्चन में बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट x i इंटू y, 2 into 18, 18 2 is 36, 12 4 is 40, 8 5 10 is 50, 6 8 is 40, 8 7 is 56, 11 5 is 55। चारों का टोटल करना पड़ेगा, पॉज करो वीडियो और क्विकली टोटल कर दो, ठीक है। प्लीज आपका टोटल मेरे टोटल से टैली कर लो। एनीवेज टेबल के बाद क्या, आपने बॉक्स बनाया होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। टेबल के नीचे सबसे पहले एन लिखने का, कितना एन है, 1 2 3 4 5 6, तो एन आ गया 6। अब क्या निकालेंगे, x बार, व्हाट इज x बार, समेशन ऑफ x i अपॉन n, तो समेशन x i कितना 36 अपॉन 6 आ गया, 6 x बार आ गया। अब क्या चाहिए, साइड में ही y बार इज इक्वल टू, या नीचे भी लिख देना कोई इशू नहीं है, समेशन y i अपॉन n, समेशन y i कितना है आपका 60, n कितना है 6, तो 60 अपॉन 6 आ गया आपका वैल्यू 10। x बार y बार आ गया। अब इसके बाद अपन क्या निकालते हैं, कोवेरियंस निकालते हैं फटाफट। क्या बोला भाई, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। अब आपको बायट हो गया रहेगा, 1 अपॉन 6 समेशन एक्स आई वाई आई कितना 293 माइनस एक्स बार कितना 6, y बार कितना 10। अगेन ये डिवीजन करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कैलसी मत यूज करना, करते एक चाहिए तो 6 कितना जा 6, 4 जा 24, 53 बचा, 6 8 जा 48, 53 मतलब 53 में से 48 गया कितना 5 मतलब 50, तो अगेन 8 50 तो 48 गया 2 20, 6 3 जा 18। क्लियर है कैसे किया, एनीवेज माइनस 6 10 जा 60। अब अगेन ये सब्ट्रैक्ट करना पीछे जाके, अगर आपसे ओरली नहीं हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट किया ये हो गया 11.17। कोवेरियंस आ गया, नेगेटिव आया, कोई इशू नहीं है। अब वी हैव टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो क्या चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 6 समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना है 266 माइनस एक्स बार अपना कितना है 6 का स्क्वायर, करो भाई काटाकुटी, 6 4 जा 24, 26 बचा, 6 4 जा 24, फिर 20 बचा, 6 3 जा 18, 20 बचा, 6 3 जा 18 माइनस 6 6 जा 36, कितना आएगा ये 36 ये 8.33, ये आ गया अपना सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब कौन चाहिए, बी वाई एक्स, निकालना फटाक से, बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्लियर है, वैल्यूज डाल देते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना, माइनस 11.17 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर 8.33। प्लीज गो बैक एंड डू दिस कैलकुलेशन इन रफ वर्क, मैंने किया है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आ गया माइनस 1.34। अपने पास बी वाई एक्स आ गया, अब क्या करेंगे, फाइनली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स करते हैं फटाक से। अब निकाल लेते हैं अपना रिग्रेशन
इक्वेशन ऑफ वायोनिक्स में, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया नहीं था वायोनिक्स निकालना है, बट क्वेश्चन में क्या दिया था, x अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो बेसिकली y इज डिपेंडेंट अपॉन x, हेंस वी आर फाइंडिंग वायोनिक्स. व्हाट इज द फॉर्मूला, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. क्विकली y माइनस y बार अपना कितना था 10, बी वाई एक्स अपन को आ गया माइनस 1.34 इंटू एक्स माइनस व्हाट इज आर एक्स बार 6. क्लियर है, y माइनस 10 ब्रैकेट ओपन करना, माइनस 1.34 इंटू एक्स माइनस 1.34 एक्स माइनस माइनस प्लस, फिर पीछे जाओ मल्टीप्लाई करो 1.34 इंटू 6 करना, आपको आंसर आएगा 8.04. अब आगे फाइनली आंसर कैसे लिखना है, y एक साइड बाकी सब उधर, माइनस 1.34 एक्स प्लस 8.04 माइनस 10 उधर जाके प्लस 10, तो इसमें प्लस 10 चिपका दी तो क्या आएगा प्लस 18.04. दिस इज द, अब उसने बोला नहीं था कौन सा एग्जैक्टली वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई निकालना, तो इधर क्या बोल दिया, इज द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन. अरे समझे क्या कैसे किया है गाइज, अगेन एंड अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद से करिएगा, प्लीज डोंट यूज कैलसी. सो गाइज ये था अपना 6th क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी आपसे कि आप 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन जो एग्जैक्टली सेम है और एक्चुअली जो अपन ने किया उससे बहुत ज़्यादा ईजी है, वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए. कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ पूछना, और जो भी आपका आंसर्स आ रहा है प्लीज़ डू लेट मी नो. कुछ भी रहेगा, कुछ भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज़ मैं क्लियर कर लूँगा. 8th क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन है एक बार क्विकली देख लेते. 8th क्वेश्चन में क्या बोला, फॉर द फॉलोइंग बाइविरेट डेटा ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस. तो 8th क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स ऑन वाई भी निकालना है, वाई ऑन एक्स भी निकालना है, नंबर्स तो बहुत ईजी है, कैलकुलेशन ईजी होगा. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में क्या बोला, अगेन दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकालो, अगेन नंबर्स बहुत छोटे, बहुत ईजी है. 10th क्वेश्चन में उसने क्लियरली मांगा है क्या, वाई ऑन एक्स, तीन ही आपको ऑब्जर्वेशन दिए, एन थ्री, तीन एन की वैल्यू तीन ही है, बहुत ही चिंदी है ये क्वेश्चन तो. और फाइनली उसमें क्या करने बोला है 10th क्वेश्चन में, एक्स के जगह 4 डाल दो तो वाई कितना. अपन ने ये फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी किया था ऐसे टाइप का, तो 10th भी इजी है. 11th में क्या करने बोला है, अगेन वाई ऑन एक्स निकालने बोला है और एक्स की वैल्यू दी है 10 और वो अपन डाल के वाई निकालेंगे. तो बेसिकली 8, 9, 10, 11 प्लीज़ खुद से करिए. जो भी आपका आंसर आ रहा है मेरे को प्लीज़ बताओ, और अगर इनकेस कुछ डाउट रहेगा तो उस पर भी अपन फिर से अलग से सॉल्व कर लेंगे. आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझा होगा. आगे वाले क्वेश्चन अपन चाहिए तो एक अलग वीडियो में बना देंगे. आज का अगर कुछ भी डाउट है फिर से प्लीज़ डू लेट मी नो. I guess everything is cool, right? Perfect. Jain.